साथियों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरके अनमोल लाइव। देखिए, पहले तो प्रोग्राम हुआ सरघाटी में, फिर प्रोग्राम हुआ मानपुर में, फिर प्रोग्राम किया बेलागंज में, फिर प्रोग्राम किया फतेहपुर में, और अबर प्रोग्राम हो रहा है डोभी में। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी गया में लगातार प्रोग्राम कर रही है, लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। आज हम पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में सुनिए। पहले गरीब संकल्प सभा के माध्यम से हम लोग सरकार को संदेश देना चाहते हैं। जिस तरह से वर्तमान सरकार दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, और कहीं न कहीं गरीबों के हक हकूक की आवाज़ को दबाना चाहती है, उनके साथ अन्याय कर रही है, उन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हमारे नेता जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष मांझी गरीब संकल्प सभा के माध्यम से उनको आवाज़ देना चाहते हैं। और यह जो गरीब विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, यह दारूबंदी के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर, बालूबंदी के नाम पर गरीबों का आर्थिक शोषण और राजनीतिक शोषण कर रही है, पुलिस प्रताड़ित कर रही है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस संकल्प सभा के माध्यम से हम संकल्प लेना चाहते हैं कि जो जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, इस सरकार को हर हाल में उखाड़कर फेंकना है। यही इस रैली का एक संदेश होगा। कल हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, जो पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष मांझी जी, जो कि बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको सुनने के लिए गांव-गांव से, जो डोभी के आसपास के जितने भी इलाके हैं, पंचायत है डोभी के, सारे जगह से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं उनको सुनने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों में उम्मीद है, और उम्मीद सिर्फ जीतन राम मांझी और संतोष मांझी में ही लोगों को, गरीबों को दिखती है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये समझ लीजिए कि इन्होंने ही कहा था कि सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीब एक हो। कल गरीबों का महाजुटान होने वाला है और उस महाजुटान में गरीबों के नेता बिहार के जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता लोग यहां उपस्थित होंगे और गरीबों की ताकत का एहसास यहां की सरकार को कराने का काम करेंगे। क्योंकि गरीबों को अभी तक यहां की सरकार ने छलने का काम, ठगने का काम किया है। उसी आम सभा की तैयारी के लिए हम लोग डोभी के कंजियार हाई स्कूल मैदान में यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। कल हम लोग का बहुत भारी प्रदर्शन होगा। हम लोग उस प्रदर्शन के माध्यम से गरीब को, गरीब में ताकत भरने का काम करेंगे। हम लोग जितना डोभी प्रखंड के आसपास इलाके में घूमे, पब्लिक का जो मियाद है वो हमको लगता है कि मौसम खराब के वजह के बाद भी 10,000 से ऊपर भीड़ आएगी हमारे नेता को सुनने के लिए, जीतन राम मांझी जी को और संतोष कुमार सुमन जी को और अनिल बाबू को, और हम लोग इसी में जोर शोर से लगे हुए हैं। और पूरे जनता, डोभी का आम आवाम,